माननीय सदस्य श्री सुदेश कुमार महतो जी। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपका चयन हुआ, मैं अपनी ओर से आपको बधाई देता हूं। इस उम्मीद के साथ कि इस गरिमाई पद का नेतृत्व बेहतर रूप से इस राज्य के सभी प्रतिनिधियों के नेतृत्व का ख्याल करते हुए इस पद के महत्व को और गरिमा को बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि इस प्रदेश में कई ऐसे अवसर आए हैं पहले जब इस पद पर कई लोगों ने, कई अध्यक्षों ने बैठकर बेहतर नेतृत्व देने का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि उससे भी ऊपर आप सदस्यों की भावना का और उनके द्वारा रखे गए जो भावना, पूरे प्रदेश की भावना का सम्मान करेंगे। प्रक्रिया के तहत हां पक्ष और ना पक्ष निश्चित रूप से इस हॉल का हिस्सा रहेगा, बावजूद चूंकि आपका अध्यक्ष जी का कुर्सी सबसे ऊपर और बीच में है, तो मुझे लगता है कि ये मापदंड इसीलिए बनाया गया है ताकि सभी लोगों को संतुलित रूप से, सहज रूप से आप इस लोकतंत्र के और विधायी की प्रक्रिया में समान अवसर और उनके इस विधायी की व्यवस्था में इस पूरे संस्था को महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण बनाने में अपनी भूमिका निश्चित रूप से आप निभाएंगे। ये मेरी भावना है और मैं अपनी ओर से आपका इस सदन में सर्वसम्मति से चुने जाने पर बधाई देता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो अपनी ओर से सर्वसम्मति से सदन का अध्यक्ष चुने जाने के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। अभी कल ही हम लोगों ने, सारे सदस्यों ने संविधान के साथ जो है शपथ लिया है और इस सदन के जो संवैधानिक इकाई अध्यक्ष है, संविधान के अनुसार आप सब सर्वसम्मति से मनोनीत हुए हैं। और ऐसे समय में, ऐसे दौर में झारखंड के पांचवी विधानसभा का गठन हुआ है, तमाम संविधान का हम लोगों ने पाठ किया, जब देश भर में संविधान को लेकर के, संवैधानिक प्रक्रियाओं को लेकर के सबसे ज्यादा बहस उठे हों, सबसे ज्यादा सवाल चल रहे हों, आज का दिन भी है, लगातार जो है चौक में, चौराहों में, देश के कोनों में छात्र और युवा संविधान की प्रस्तावना का पाठ पढ़ रहे हैं, यह महत्व बताता है कि कोई भी लड़ाई में, अधिकारों की लड़ाई में जो हमारा संविधान पारित हुआ है, उन संविधानों के प्रावधान के लिए कैसे वो लागू हों, कैसे वो बेहतर हों। और झारखंड विधानसभा जो है, उसके आप जो अध्यक्ष हैं, झारखंड विधानसभा में भी उन संविधान परंपराओं का राज्य के लोगों का जो उम्मीद है वो पूरा मौका मिला है। मुझे तीसरी बार विधानसभा में निर्वाचित होने का, दो विधानसभा में हम लोगों ने दो दो बार धन्यवाद प्रस्ताव पास होने का अध्यक्ष के प्रति मौका मिला है, बातें भी हुई है, लेकिन लगातार हम लोगों ने देखा है जिस बात की सबसे उम्मीद रही है और मैं देखा वो चौथा या पांचवा है अध्यक्ष किया धन्यवाद प्रस्ताव में मैं बोल रहा हूं, और पहली बार इतना शांत, इतना बेहतर वातावरण में लोगों के उम्मीदों से बात हो रही है। इसके पहले अलग अलग वजहों से, अलग अलग कारणों से काफी कोलाहल में हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की उम्मीदें कितनी है जनादेश से, इस सरकार से। हम सिर्फ जो कहना चाहते हैं कि सरकार से, पिछले दिनों सरकार पे आरोप लगते रहे हैं, विपक्ष की भी भूमिका पे सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस नाउम्मीदी के दौर में भी जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जिनके ऊपर यह जिम्मा होता है इन तमाम झंझावतों में, बहस में उम्मीद उनसे होती है, और जब उनपे भी सवाल उठने लगते हैं, जब उनकी भूमिकाओं पे होने आते हैं, तो जाहिर सी बात है वो संविधान की, उस आत्मा की, उस शपथ का हम कहीं ना कहीं से जो है वो सवाल उठते हैं। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि झारखंड पिछले सालों में जिन दिक्कतों को झेला है, जो सवाल उठते रहे हैं, उन तमाम चीजों से सीख लेते हुए हम तमाम सदस्यों समेत यह जो पंचम विधानसभा है, एक नई नजीर बनेगा। आप तमाम पक्ष, विपक्ष, अल्पमत को संविधान के अनुसार, झारखंड के लोगों के उम्मीदों के अनुसार जो है दशा देंगे। एक बार फिर हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, यह पद की गरिमा और बेहतर ऊंची जाएगी। आप सभी, आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे सदन की ओर से आपको जो है धन्यवाद।
माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मत से चुने जाने पर मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं और पूरे जनता का आशा ने उम्मीद है कि जो हमारे माननीय सदस्य नए और पुराने चुनकर आए हैं, जो सवाल उठाएंगे आपके द्वारा निष्पादन होगा और गांव में विकास पहुंचेगा और आपके द्वारा सब वो मान्य सदस्यों लेकर चलना है। मैं ज्यादा नहीं बोलते सर, मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। माननीय श्री कमलेश कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको हम हार्दिक शुभकामना देते हैं और निर्विरोध चुने जाने पर आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपसे यही हम सभी को उम्मीद है कि चाहे पक्ष चाहे विपक्ष, सभी के भावनाओं को आप देख कर चलें और उनके जो भी प्रश्न हो उस पर आप अपनी सहमति देने का कष्ट करें कि जो भी उचित हो उसको निर्णय दें। और पंचम विधानसभा का अध्यक्ष होने का हार्दिक शुभकामना और नए वर्ष का शुभकामना देता हूं, धन्यवाद। माननीय श्री सरजू राय जी। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने के लिए आपको अनेक अनेक बधाइयां। आसन का पद संविधान और परंपरा के अनुसार से परिभाषित है। अंग्रेजी में इस पद को हम स्पीकर कहते हैं, मगर स्पीकर वही होता है जो सबसे कम बोलता है। बोलने के लिए सभी सदस्य हैं जो अपनी बातों को रखते हैं, परंतु विगत कई सदनों में देखा गया है कि स्पीकर को ही ज्यादा बोलना पड़ता है। इसलिए माननीय अध्यक्ष को ऐसी स्थिति सदन में बनाने के लिए हां पक्ष ना पक्ष से सहमति लेकर उम्मीद करना चाहे कहेंगे हम लोग, एक ऐसा वातावरण बनेगा जब सदस्यों को बोलने का अधिक समय मिलेगा, अधिकार मिलेगा। सदन के भीतर सरकार होती है जो सदन के प्रति जिम्मेदार होती है। बाकी सभी माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, सभी सदन के सदस्य हैं और सब अपनी मांगों को प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से सदन के सामने, माननीय अध्यक्ष के सामने रखते हैं। सरकार को उसका जवाब देना होता है। बेहतर स्थिति तभी होती है जब कोई भी माननीय सदस्य समस्या अपने क्षेत्र की हो, आम जनता से संबंधित हो या सरकार के क्रियाकलाप से संबंधित हो, जब वो प्रश्न रखते हैं, बात उठाते हैं और सरकार की किसी खामी को चिन्हित करते हैं या सरकार में कहीं पर्याप्त सावधानी नहीं रहने के कारण से जनता के हित प्रभावित हो रहे हैं और इस बात को उठाते हैं सदन में, तो सरकार की भी सदा सहायता होनी चाहिए कि वह उन प्रश्नों का, उन बातों का, उन मांगों का उचित रूप से समाधान करे। और असहमति का स्वर कहीं उठता है सदन में तो असहमति के स्वर का भी आदर करे। काम करते समय गलतियां होती हैं, सरकार भी काम करते समय कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि निर्णय गलत हो जाते हैं। सदन में कोई भी माननीय सदस्य चाहे हां पक्ष का हो ना पक्ष का हो, उस बात की ओर ध्यान दिलाता है तो सरकार को भी इतना बड़प्पन अपने हृदय में रखनी चाहिए कि उचित विषय आता है तो उचित समाधान होना चाहिए। कहीं कोई निर्णय समीचीन नहीं है तो उस निर्णय को वापस लेने में भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए। पहले इस राज्य के पहले के सदनों में भी ऐसी कई स्वस्थ उदाहरण आए हैं जब सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दोनों ने मिलकर सहमति व्यक्त किया है, और कई ऐसे विषय भी आए हैं जब आम सहमति से सदन में निर्णय हुआ है। जो हमारे माननीय अध्यक्ष होते हैं वे जो निर्णय देते हैं एक तरह से वो नजीर बन जाते हैं, उदाहरण बन जाते हैं। लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी कई ऐसे माननीय अध्यक्ष और सभापति हुए हैं और जिन्होंने जो निर्णय दिया है वो निर्णय कार्य प्रक्रिया का हिस्सा हो गया है। इसलिए हम लोग उम्मीद करेंगे कि ऐसे निर्णय आसन की तरफ से आएंगे जो भविष्य के लिए उदाहरण बनेंगे। स्वस्थ परंपरा स्थापित करने में आसन का जो योगदान होगा वह योगदान सराहा जाए, आम जनता की नज़र हम सभी पर रहती है। इसलिए इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है अगर आवश्यकता पड़े तो जो विधानसभा की नियमावली है कार्य संचालन की, उसको ही और सुदृढ़ बनाने
और सक्षम बनाने के लिए हम प्रयास करें ताकि सदन का कार्य अधिक सुचारू रूप से चले और जो माननीय सदस्य हैं सदन के वे जन भावनाओं को अपने क्षेत्र की या राज्य की जो भी भावना है उस भावना को अच्छी तरह से यहाँ रख सकें और सरकार की तरफ से उसका उचित परिदान मिले। आपकी भूमिका के लिए जितनी सराहना कही गई है वह सराहना कम है जितना सराहा जाए अध्यक्ष के आसन के योगदान को परंपरा के दृष्टिकोण से वह कम होता है। मुझे उम्मीद है कि आसन अवश्य ही इसको ध्यान में रखेगा और सरकार जो सदन के प्रति जिम्मेदार होती है वास्तव में उस सरकार को जिम्मेदार बनाने का काम आसन से होगा। इस ओर आपकी मदद करें बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय सदस्य श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने पर आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपसे उम्मीद है कि आप पहले भी चलाए हैं इस सदन को और आगे भी चलाने का पुरजोर कोशिश करेंगे, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बाबूलाल मरांडी जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है क्योंकि संविधान की परंपरा में अध्यक्ष विधानसभा के कस्टोडियन होते हैं और जैसे सबों ने कहा और हमें भी पूरी उम्मीद है कि आप सदन को निष्पक्ष रूप से चलाएंगे क्योंकि चाहे आप पक्ष हो विपक्ष हो क्योंकि जन समस्याओं को लेकर के सभी आते हैं आप उसको निश्चित रूप से ध्यान देंगे और सबका आप संरक्षण करेंगे क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता की नजर आपकी ओर होगी और आज इस प्रकार से सर्वसम्मत से आप आज चुने गए हैं तो मैं समझता हूं कि आपको भी सदस्यों का पूरी पूरी सहयोग मिलेगा लेकिन विशेष जिम्मेवारी आपके ऊपर है इसलिए आज मैं आपको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई।